मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा की अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है और अब दिग्गज नेता निशाने पर हैं। सूबे के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के खिलाफ उनके ही जिले के एक दूसरे कद्दावर नेता जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने मोर्चा खोला है। पटेल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को पत्र लिखकर मलैया पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है और उन पर कार्यवाही करने की मांग की है। ग्लोबल हेराल्ड के लिए दमोह से रवि अग्रवाल की रिपोर्ट। मैंने पत्र इसलिए लिखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भी जिला पंचायत अध्यक्ष बना था और आज की स्थिति में मौजूदा भी 12 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मगर चुनाव हारने के बाद माननीय पूर्व मंत्री जयंत कुमार मलैया जी चुनाव हारने के बाद एकदम खुन्नस निकालने के लिए तैयार हुए। साथ में पूर्व विधायक लखन पटेल भी चुनाव पथरिया से हारे, तो वो अपनी खामियां ना ढूंढने के बजाय दूसरे के ऊपर लालछन लगा रहे हैं, जबकि मैं तो हटा विधानसभा है मेरी, हटा विधानसभा वैसे 20,000 से जीती जो आज तक नहीं जीती। मुझे हटा विधानसभा में दायित्व दिया गया था कि आप हटा विधानसभा में काम करोगे और यहीं वो करोगे, तो मैंने अपने भरपूर मेहनत करके मेरी विधानसभा 20,000 से जीती है। अब ये लोग अपने हारने की वजह नहीं ढूंढ रहे, खुन्नस ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के, और यदि मैं कोई ऐसा दोषी था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और संगठन वालों को बैठक बुलानी थी, बैठक में मुझसे दोषारोपण करते और मुझसे बोलते कि आप इस्तीफा दे दो। यदि मेरी गलती होती तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार था, मगर ऐसा ना करने के बावजूद भी मुझे मजबूरी में संगठन को पत्र लिखना पड़ा कि ये पार्टी में जो ऐसी वो गलतियां हो रही हैं और वरिष्ठों द्वारा हो रही हैं, जो अपनी कमियां ना देखते हुए दूसरों के ऊपर लालछन लगा रहे हैं, ये बड़े ही दुख की बात है। मजबूरी में मुझे संगठन से पत्र लिखना पड़ा, मैंने दिल्ली भी पत्र लिखे हैं, प्रदेश में भी लिखा है और सभी संगठनों को मैंने पत्र लिखा है कि माननीय पूर्व मंत्री जयंत कुमार मलैया जी की करतूत और पूर्व विधायक लखन पटेल जी की करतूत ये सामने उजागर हो कि जो इनके यहाँ दोनों के पूर्व मंत्री जी के यहाँ और लखन पटेल जी के यहाँ सभी सदस्यों को बुलाया जाता है और बैठक की जाती है, इनने सभी सदस्यों का हलफनामा बनवाए और खुद जाकर के सागर में कमिश्नर के यहाँ अविश्वास का प्रस्ताव रखा, जिसलिए मुझे मजबूरी में संगठन को पत्र लिखने पड़े।